पिछली किश्त में आपने देखा कि जेबी और ब्रावो की शिवी से दोस्ती हो गई थी और शिवी ने दोनों को अपने घर आने की दावत दी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये देखकर जेबी, ब्रावो और शिवी डर गए। अब आगे, ये कौन सी नई आफत है, इनसे कैसे बचें? ये शिवी के गांव के लोग हैं, वो खुद इन्हें देख लेगी, तुम फिकर मत करो। लेकिन हम शिवी से बात कैसे करेंगे? हाँ, हम भुल्लू को तो वहीं छोड़ आए हैं। ब्रावो और जेपी बात कर ही रहे थे कि तभी जंगल के लोगों ने दोनों को जाल में बंद कर दिया। गंदे लोग, हमें छोड़ो, हमें क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, ये जरूर शिवी की ही चाल है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जेपी साहब, कभी तो आप मेरी बात मान लिया कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। ये वक्त हड़बड़ाने का नहीं है, बल्कि अपने होशियारी से यहाँ से निकलने का वक्त है। यहाँ हम सिर्फ आपकी वजह से फंसे हैं। देखिए, शिवी अपने लोगों को बता रही है कि हमें कैसे मारना है। बस बहुत हो चुका, अब खामोश रहो। ब्रावो ने अपने गुस्से पर काबू पाया और खामोश हो गया। शिवी भी अपने साथ वाले लोगों को समझाने लगी। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें हमारे साथ आने दीजिए। तुम अजनबी लोगों पर कैसे यकीन कर सकती हो, जबकि ये तो कहीं बाहर से आए हैं। मुखिया जी, ये जेपी और ब्रावो हैं, बहुत दूर से आए हैं। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि दूर से आए लोगों पर यकीन नहीं करते। अरे बाबा, भुल्लू काका भी इन्हें जानते हैं। वो भुल्लू तो खुद भी पागल है, ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। उर्दू तो ऐसे बोलता है कि आलिम फाजिल भी फेल हैं। अब इन दोनों को आजाद करके इज्जत के साथ घर ले चलो। देखो शिवी, मैं तुम पर यकीन करके इनके साथ जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ये अच्छे लोग हैं और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों की वजह से किसी को भी नुकसान पहुँचा, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मौत की सजा दूंगा। ठीक है। मुखिया ने अपने साथ के लोगों को इशारा किया और उन्होंने जाल में कैद जेबी और ब्रावो को अपने हाथों पर उठा लिया और घर की तरफ ले जाने लगे। मुखिया जी, ये सब क्या है, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, आजाद कीजिए इन्हें। अरे हम इन्हें इज्जत के साथ घर ले जा रहे हैं, तुम भी चुपचाप पीछे पीछे चलती रहो। बचाओ, मदद, मदद। जेबी और ब्रावो की गुजारिश किसी को समझ में नहीं आई और वे सभी अपने ही लोक गीत गाते और उन गीतों पर थिरकते हुए दोनों मेहमानों को हाथों पर उठाए घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। आदिवासी लोगों ने दोनों को एक खास तख्त पर बिठाया और अच्छा खाना खाने को दिया। साथ ही सबने अपनी रिवायतों के हिसाब से गाना बजाना और नाचना शुरू कर दिया। जनाब जेपी, कैमरे में रिकॉर्ड करने लायक मंजर है, कीजिए रिकॉर्ड, फिल्म बनाने में काम आएगा। ब्रावो, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमारी बलि देंगे और मजे से खाएंगे। हम बिना किसी को जाने और समझे अपनी राय नहीं बना सकते। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ। आदिवासी लोगों ने कुदरती चीजों से तैयार किए हुए बिस्तर दोनों को दिए और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन फिर भी जेपी और ब्रावो की रात एक अनजाने डर में कटी थी। अगली सुबह शिवी हर रोज की तरह अपने तीर कमान उठाकर झोपड़ी से बाहर जाने लगी, तभी उसका छोटा भाई मंगू भी आ गया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू मेरे साथ नहीं चल पाता, इसीलिए तू यही रह, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आती हो, इसलिए मैं अपने लिए खुद लेकर आऊंगा। दोनों बहन भाई की आवाज सुनकर जेपी और ब्रावो भी उठ गए। जब ब्रावो को होश आया तो उसने अपने हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, बाल सब चेक किए। क्या हुआ, आज सुबह सुबह कैसे पगला रहे हो? मैं अपने जिस्म की जांच कर रहा हूँ कि मैं कहीं कुछ कम तो नहीं हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती कि ये लोग जानवर नहीं बल्कि इंसान हैं। तभी शिवी जेपी को अपने साथ चलने का इशारा करती है। जेपी, ब्रावो और मंगू तीनों शिवी के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी तीरंदाजी में कलाकारी देखते हैं। वाह, क्या खूबी पाई है,
जिस चीज को हमारे सामने यहाँ ढेर सारे पैसे खर्च करके सीखा जाता है और यहाँ जिसको कोई जानता नहीं, ये कितना आसान है। डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर लिखना मत शुरू कीजिए। डॉक्यूमेंट्री नहीं ब्रावो, इंतजार करो, अब इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि अब शिवी आदिवासी नहीं बल्कि ये बनेगी शिवी द गोल्डन गर्ल। ठीक है ठीक है। शिवी ने जेपी को इशारा किया और पेड़ पर लटके फल की ओर उंगली दिखाकर उसे अपना निशाना देखने का इशारा किया। जेपी भी ये सब बड़ी बेताबी से देख रहा था और शिवी ने जैसे ही निशाना लगाया वो फल नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जेपी को उसने वो फल खिलाया। मैं अब पक चुका हूँ, इस आदमी के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये खुद तो मरेगा ही साथ में मुझे भी मरवाएगा। शिवी और जेपी इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे और शिवी भी जेपी को जंगल घुमाने लगी। ये शिवी भी न जाने किस लंगूर को पकड़कर लाई है और अब उसे घुमा रही है। मैं थक गया हूँ, लगता है आज तो चलकर ही 1 फुट छोटा हो जाऊंगा, कुछ देर यहीं सो जाता हूँ। मंगू वहीं सो गया और शिवी जेपी को एक झरने के पास ले गई, जहाँ वो ऊंचाई पर खड़े होकर उसे कुछ बताने लगी। जेपी भी इस जंगली लड़की के लिए पागल हो गया है। अच्छा मौका है ब्रावो, इन दोनों को पानी में धक्का देकर यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। जेपी आज बहुत खुश है और शिवी की बातों में उलझा है। इसी का फायदा उठाकर ब्रावो ने दोनों को धक्का देकर गिराने की नियत से दोनों की कमर पर हाथ रखा, तभी शिवी के चीखने की आवाज आई। कहानी जारी रहेगी। पिछले किश्त में आपने देखा कि जेपी और ब्रावो की शिवी से दोस्ती हो गई थी और शिवी ने दोनों को अपने घर आने की दावत दी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये देखकर जेपी, ब्रावो और शिवी डर गए। अब आगे, ये कौन सी नई आफत है, इनसे कैसे बचें? ये शिवी के गांव के लोग हैं, वो खुद इन्हें देख लेगी, तुम फिकर मत करो। लेकिन हम शिवी से बात कैसे करेंगे? हाँ, हम भुल्लू को तो वहीं छोड़ आए हैं। ब्रावो और जेपी बात कर ही रहे थे कि तभी जंगल के लोगों ने दोनों को जाल में बंद कर दिया। गंदे लोग, हमें छोड़ो, हमें क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, ये जरूर शिवी की ही चाल है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जेपी साहब, कभी तो आप मेरी बात मान लिया कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। ये वक्त हड़बड़ाने का नहीं है बल्कि अपने होशियारी से यहाँ से निकलने का वक्त है। यहाँ हम सिर्फ आपकी वजह से फंसे हैं। देखिए, शिवी अपने लोगों को बता रही है कि हमें कैसे मारना है। बस बहुत हो चुका, अब खामोश रहो। ब्रावो ने अपने गुस्से पर काबू पाया और खामोश हो गया। शिवी भी अपने साथ वाले लोगों को समझाने लगी। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें हमारे साथ आने दीजिए। तुम अजनबी लोगों पर कैसे यकीन कर सकती हो, जबकि ये तो कहीं बाहर से आए हैं। मुखिया जी, ये जेपी और ब्रावो हैं, बहुत दूर से आए हैं। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि दूर से आए लोगों पर यकीन नहीं करते। अरे बाबा, भुल्लू काका भी इन्हें जानते हैं। वो भुल्लू तो खुद भी पागल है, ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। उर्दू तो ऐसे बोलता है कि आलिम फाजिल भी फेल हैं। अब इन दोनों को आजाद करके इज्जत के साथ घर ले चलो। देखो शिवी, मैं तुम पर यकीन करके इनके साथ जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ये अच्छे लोग हैं और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों की वजह से किसी को भी नुकसान पहुँचा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मौत की सजा दूंगा। ठीक है। मुखिया ने अपने साथ के लोगों को इशारा किया और उन्होंने जाल में कैद जेपी और ब्रावो को अपने हाथों पर उठा लिया और घर की तरफ ले जाने लगे। मुखिया जी, ये सब क्या है, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, आजाद कीजिए इन्हें। अरे हम इन्हें इज्जत के साथ घर ले जा रहे हैं, तुम भी चुपचाप पीछे पीछे चलती रहो। बचाओ, मदद, मदद। जेपी और ब्रावो की गुजारिश किसी को समझ में नहीं आई और वे सभी अपने ही लोक गीत गाते और उन गीतों पर थिरकते हुए दोनों मेहमानों को हाथों पर उठाए घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में सब घर पहुंच गए। आदिवासी लोगों ने दोनों को एक खास तख्त पर बिठाया
और अच्छा खाना खाने को दिया। साथ ही सबने अपनी रिवायतों के हिसाब से गाना बजाना और नाचना शुरू कर दिया। जनाब जेपी, कैमरे में रिकॉर्ड करने लायक मंजर है, कीजिए रिकॉर्ड, फिल्म बनाने में काम आएगा। ब्रावो, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमारी बलि देंगे और मजे से खाएंगे। हम बिना किसी को जाने और समझे अपनी राय नहीं बना सकते। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ। आदिवासी लोगों ने कुदरती चीजों से तैयार किए हुए बिस्तर दोनों को दिए और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन फिर भी जेपी और ब्रावो की रात एक अनजाने डर में कटी थी। अगली सुबह शिवी हर रोज की तरह अपने तीर कमान उठाकर झोपड़ी से बाहर जाने लगी, तभी उसका छोटा भाई मंगू भी आ गया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू मेरे साथ नहीं चल पाता, इसीलिए तू यही रह, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आती हो, इसलिए मैं अपने लिए खुद लेकर आऊंगा। दोनों बहन भाई की आवाज सुनकर जेपी और ब्रावो भी उठ गए। जब ब्रावो को होश आया तो उसने अपने हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, बाल सब चेक किए। क्या हुआ, आज सुबह सुबह कैसे पगला रहे हो? मैं अपने जिस्म की जांच कर रहा हूँ कि मैं कहीं कुछ कम तो नहीं हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती कि ये लोग जानवर नहीं बल्कि इंसान हैं। तभी शिवी जेपी को अपने साथ चलने का इशारा करती है। जेपी, ब्रावो और मंगू तीनों शिवी के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी तीरंदाजी में कलाकारी देखते हैं। वाह, क्या खूबी पाई है। जिस चीज को हमारे सामने यहाँ ढेर सारे पैसे खर्च करके सीखा जाता है और यहाँ जिसको कोई जानता नहीं, ये कितना आसान है। डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर लिखना मत शुरू कीजिए। डॉक्यूमेंट्री नहीं ब्रावो, इंतजार करो, अब इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि अब शिवी आदिवासी नहीं बल्कि ये बनेगी शिवी द गोल्डन गर्ल। ठीक है ठीक है। शिवी ने जेपी को इशारा किया और पेड़ पर लटके फल की ओर उंगली दिखाकर उसे अपना निशाना देखने का इशारा किया। जेपी भी ये सब बड़ी बेताबी से देख रहा था और शिवी ने जैसे ही निशाना लगाया वो फल नीचे आकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जेपी को उसने वो फल खिलाया। मैं अब पक चुका हूँ, इस आदमी के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये खुद तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा। शिवी और जेपी इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे और शिवी भी जेपी को जंगल घुमाने लगी। ये शिवी भी न जाने किस लंगूर को पकड़कर लाई है और अब उसे घुमा रही है। मैं थक गया हूँ, लगता है आज तो चलकर ही एक फुट छोटा हो जाऊंगा, कुछ देर यहीं सो जाता हूँ। मंगू वहीं सो गया और शिवी जेपी को एक झरने के पास ले गई, जहाँ वो ऊंचाई पर खड़े होकर उसे कुछ बताने लगी। जेपी भी इस जंगली लड़की के लिए पागल हो गया है, अच्छा मौका है ब्रावो, इन दोनों को पानी में धक्का देकर यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। जेपी आज बहुत खुश है और शिवी की बातों में उलझा है, इसी का फायदा उठाकर ब्रावो ने दोनों को धक्का देकर गिराने की नियत से दोनों की कमर पर हाथ रखा, तभी शिवी के चीखने की आवाज आई। कहानी जारी रहेगी।